रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने पर पूर्व नेटो जनरल ने क्या भविष्यवाणी की है, साथ ही पुतिन को यूक्रेन पर कितने दिनों में जीत की उम्मीद थी। रूस यूक्रेन की विनाशक जंग से जुड़ी खबरें आप देख लेते हैं महायुद्ध टॉप नाइन में। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच क्रीमिया में भी बड़े धमाके सुनाई दिए। क्रीमिया के सेवास्टोपोल शहर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन मोड में दिखे। मॉस्को ने एयर डिफेंस सिस्टम से दो ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। क्रीमिया पर रूस का कब्जा है। नए साल की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक तेज कर दी। देखिए किस तरह से अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर चुन चुन कर बम बरसा रहा है। रूस के रॉकेट एयर स्ट्राइक में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। रूस का MLRS हरिकेन तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए किस तरह से MLRS हरिकेन की मदद से रूस डोनबास के अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है। खुफिया इनपुट के आधार पर इन हमलों को अंजाम दिया गया। MLRS हरिकेन की खासियत है कि ये किसी भी मौसम में टारगेट पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस यूक्रेन जंग कब खत्म होगी किसी को नहीं पता। वीडियो रूस के वोरोनिश शहर का है जहां पूरी रात रॉकेट लॉन्च की आवाजें सुनाई देती रही। दावा किया जा रहा है कि यहां से यूक्रेन पर रात भर मिसाइलें भी दागी गई। रात भर यहां के आसमान में मिसाइल अटैक की आवाजें गूंजती रही। डोनबास में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस ने डोनबास पर कब्जे का दावा किया था लेकिन यूक्रेन यहां की एक एक इंच जमीन दोबारा हासिल करना चाहता है। दोनों पक्षों की जंग में पूरा इलाका खंडहर बन चुका है। जिन चार प्रांतों पर रूस ने कब्जे का दावा किया था उसमें डोनबास भी शामिल है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर डेनिश मामलों पर नजर रखने वाले रशियन हेड ने बड़ा दावा किया। डेनिश न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, रूस को पूरी उम्मीद थी कि यूक्रेन पर हमला करने के दो हफ्ते के भीतर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। 10 महीने बाद भी रूस जीत हासिल नहीं कर पाया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि रूस में मोबिलाइजेशन के जरिए 3 लाख सैनिकों की भर्ती की गई है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में नए भर्ती किए गए जवानों में से 538 रूसी सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। दावा है कि नए जवानों को जरूरी सैन्य ट्रेनिंग के बिना ही जंग में उतार दिया गया था। रूस यूक्रेन की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से कोई भी पक्ष पीछे नहीं हट सकता। यूक्रेन जंग में सब कुछ खो चुका है, वहीं पुतिन पीछे हटे तो उन्हें अपने ही देश में आलोचना झेलनी पड़ेगी। यूक्रेन को झुकाने के लिए हाईटेक हथियारों से रूस जबरदस्त बमबारी कर रहा है। पूर्व नाटो जनरल डोमरोस ने रूस यूक्रेन जंग खत्म होने की टाइमिंग पर बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि जंग 2023 में ही खत्म हो जाएगी। दोनों देशों में संघर्ष विराम को लेकर समझौता होगा। जंग उस वक्त खत्म होगी जब दोनों पक्षों को समझ आ जाएगा कि जंग से दोनों को कुछ हासिल नहीं होने जा रहा। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।